जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है इस शाहगंज आजमगढ़ रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना के पार्ट थ्री में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे संजरपुर हॉल से लेकर और आपका आजमगढ़ रेलवे स्टेशन तक। और अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी ये जो आप मट्टी की जो ढेर जो देख रहे हैं, ये अभी हम लोग संजरपुर हॉल्ट के जो है वो स्किप कर रहे हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो यानी पार्ट टू में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि हम लोगों ने खुरासान रोड से लेकर और संजरपुर हॉल्ट तक जो है वो आपका रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो वीडियो है वो मैंने दिखाया था। और अभी यहां से जो स्टार्ट होता है वो संजरपुर हॉल्ट से लेकर और आपका फरिया के बीच में जो है वो आपका सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं इस सेक्शन पर कि जो केवल जो इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं वही बस लगाए गए हैं और ना ही आप और बगल में जो स्लीपर्स वगैरह हैं वो कहीं कहीं जो है वो गिराए गए हैं। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक के पोल्स गाड़ने के लिए जो फाउंडेशन जो बनाया गया है वो बहुत दूर दूर पे बने हैं, यानी कह सकते हैं कि हर एक मतलब बहुत दूर दूर जो बनाए गए हैं, क्योंकि उसके बीच में जो है वो अभी काम जो है वो बहुत बाकी है। और अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये संजरपुर हॉल्ट से लेकर और आपका फरिया तक जो है वो सेक्शन अभी आप देख रहे हैं। और तो ये पार्ट थ्री है आप लोगों का। और अभी हम लोग पार्ट थ्री में आप लोगों को पता ही होगा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं वही केवल गाड़े गए हैं और ना ही रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं, ना ही गिट्टियाँ डाली गई हैं और ना ही कुछ डाली गई हैं। तो चलिए फिलहाल अभी आप लोग इन्जॉय करिए और अगर आगे कुछ नया मिलता है तो मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं फरिया रेलवे स्टेशन और फरिया से ठीक पहले अभी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं ऊपर और उस पर जो है वो ओएचई के जो तार है वो लगा दिए गए हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक के जो काम है वो तो हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि जो रेल ट्रैक है वो यहाँ पे स्लीपर्स और यहाँ पे जो गिट्टियाँ वगैरह हैं वो भी डाल दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि जैसे ही आप लोग फरिया से पहले मतलब इंटर करने वाले रहेंगे उसके यार्ड में, तो आपको देखने को मिलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक जो पोल्स हैं वो लगा दिए गए हैं, जो ओएचई जो तार है वो भी लगा दिया गया है और बस जो काम जो बाकी है वो। और अभी यहाँ पे जो ये दो लाइनें जो देख रहे हैं, एक लाइन जो है वो आपका लूप लाइन में से चला जाएगा और एक जो लाइन है जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं और ठीक जिस पे ये लोग अंकल लोग खड़े हैं, इस पे ये दोनों लाइन जो है वो आपका फरिया का जो दोनों जो लाइन है वो आपका मेन लाइन हो जाएगा। तो चलिए अभी पहले आप लोग स्किप देखिए इसका और इसके साथ जो आप लोग देखते रहिए कितने ट्रैक हैं। और बता दूँ फरिया पे आपको जो है वो आजमगढ़ का जो माल गोदाम है वो यहीं शायद शिफ्ट होने वाला है। फिलहाल अभी आप लोग देखिए स्किप और मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ा सा और आगे। आप लोग फरिया का जो है वो स्किप देखकर एक चीज़ ज़रूर सोचे होंगे कि फरिया रेलवे मतलब फरिया जो है एक स्टेशन है और यहाँ पे इतने सारे जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आजमगढ़ का शायद वासिंग जो पिंट है वो यहीं पे जो आकर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और अभी जो अभी हम सेक्शन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो फरिया से लेकर और आपका सराय मीर तक जो सेक्शन है वो नहीं सराय रानी तक जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज़ और है कि इस सेक्शन जो है ये जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप ज़रूर जानते होंगे कि जो फरिया से लेकर और सठियाँ तक जो सेक्शन है मतलब उसके बीच में जो है वो आजमगढ़ भी आता है और ये जो सेक्शन है वो पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको पता ही होगा। तो फिलहाल अभी आप जो सेक्शन जो देख रहे हैं वो फरिया से लेकर और सराय रानी तक है। और यहाँ पर आप सेक्शन पर देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं वो लगा दिए गए हैं, जो एची तार है वो भी लगा दिया गया है, जो ट्रैक है वो सब कुछ बिछा उछा दिया गया है सारे कुछ फिनिशिंग के साथ। तो बहुत जल्द हो सकते हैं कि ये सितंबर में इस मतलब फरिया से लेकर और आपका सखियाओं तक जो इसका है वो आपका सीआरएस होने वाली है। तो फिलहाल अभी आप लोग इन्जॉय करिए और मैं मिलता हूँ उससे सीधा सराय रानी के ठीक पहले।
और बिल्कुल हम लोग सराय रानी पहुँचने वाले हैं, और इसका आउटर सिग्नल आप देखें पीछे, और जो ट्रेन है वो कर्व से होकर जो है वो सराय रानी पे पहुँचने वाली है। और सराय रानी पे भी हम लोग को देखने को यही मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक के जो पुल्स है वो लगा दिए गए हैं, जो रेलवे ट्रैक वगैरह है सब कुछ लगा दिया गया है, बस थोड़ी सी जो है वो फिनिशिंग करनी अभी इस रूट पे बाकी है। और उससे पहले आप लोग सराय रानी, आपको बता दूँगी सराय रानी एक हॉल्ट है, यहाँ पे केवल आपको दो ही ट्रैक और दो ही आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी पहले अभी इसका स्किप देखिए। तो आप लोगों ने सराय रानी का स्किप देखा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो है वो कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, और ये जो सेक्शन जो देख रहे हैं ये सराय रानी से लेकर और आपका आजमगढ़ तक जो सेक्शन है वो हो जाएगा, जहाँ पर ये हम लोग की जो वीडियो है पार्ट 3 वो ख़त्म होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपको पूरा पार्ट 1 से और आपको पार्ट 3 तक जो है वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो पूरी जो शाहगंज से लेकर और आजमगढ़ तक जितने भी रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना के पार्ट है वो आप देख सकते हैं। और अभी इस रूट पे भी हम लोग को देखने को यही मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक के जो पोल्स है वो लगा दिए गए हैं, ऊंची जो तार है वो लगा दिए गए हैं, और जो रेल ट्रैक है वो भी सब कुछ बिछा दिया गया है। बस जो काम जो बाकी है वो केवल 10% ही बस बाकी है, कि जो फिनिशिंग का जो वर्क है वो यहाँ पे करना बाकी है। तो फिलहाल अभी आप लोग एंजॉय करिए और देखते रहिए कि क्या कुछ है। मतलब अभी मैं आपको बता दूँ, जितने ये स्लीपर्स लगे हुए हैं वो 60 kg की स्लीपर्स लगे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो ट्रेन है वो 130 km/h से जो ट्रेन है वो चल सकती है इस रूट पे। लेकिन इस रूट पे इतनी जो स्पीड है वो नहीं दिया जाएगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है इस रूट पे 120 या 110 की जो स्पीड लिमिट है वही दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोग एंजॉय करिए और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा आजमगढ़ के आउटर सिग्नल पर। और ये अब हम लोग पहुंचने वाले हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो ट्रैक है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और अभी इसका बहुत जल्द मतलब सामने आप देखने को मिलेंगे आपको जो आउटर जो सिग्नल है उसका वो देखने को मिलेंगे, शायद आउटर सिग्नल जहाँ तक मुझे लगता है कि वो उस साइड होगा। और अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ट्रेन है वो कर्व में हो रही है, और यहाँ पर जो मतलब आजमगढ़ से ठीक आप सागंज के लिए निकलेंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक के जो पोल्स हैं मतलब जो रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो परियोजना जो कार्य है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है बस इलेक्ट्रिक के पोल्स ही लगाए गए हैं। और जो आपका अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बस गिट्टी वगैरह है वो डाला गया है, और बाकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक के पोल्स थोड़ा कुछ दूर आगे लगे हैं, फिर वहाँ पर जो ओचे जो तार है वो भी नहीं लगा है। और अभी हम लोग इधर जो है वो आउटर सिग्नल को है जो वो पार कर रहे हैं, और पार करके अब हम लोग पहुँचेंगे सीधा आजमगढ़। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो घरें हैं वो साइड में बनी गई हैं, और इसलिए जो कार है वो बहुत ही लेट हो रहा है यहाँ, पता नहीं क्यों नहीं, क्योंकि जो रूट है वो तो आपका फरिया से लेकर और सठियाओं तक जो रूट है वो तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ही जो यहाँ पे जो काम बाकी है, यानी कह सकते हैं आपकी थोड़ा सा आजमगढ़ से जैसे ही आप निकलेंगे सागंज के लिए तो आपको आउटर पर ये जो चीज़ है वो देखने को मिलेंगे, इस साइड आपके लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेंगे। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सामने जो है वो एक ओवरब्रिज देखने को मिलेगा। और बाकी आपको बता दूं कि ये जो
रेल ट्रैक दोहरीकरण की जो परियोजना जो यहाँ पे जो वर्क है वो सीधा आके यहाँ पे जो मिल जाएगा। और अभी हम लोग मेन लाइन से हटकर सीधा लूप लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ प्लेटफॉर्म संख्या 2 रहेगा। और अभी आपको आगे दिख रहा होगा कैफियत एक्सप्रेस, वो भी WAP-7 लोकोमोटिव के साथ। और इसकी जो वीडियो है वो मैं अलग से आपको वो ऊपर आई बटन पे दिया हूँ, आप ऊपर जाके वहाँ पे जो है वो देख लें। और बीच में भी आप जो मेन लाइन पे जो देख रहे हैं, जो आप लोकल जो देख रहे हैं, वो WAG-9 लोकोमोटिव है। और बाकी आप लोग की पूरी वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो आप वीडियो को जो है वो आगे तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और सभी लोग का जो है वो नॉलेज हो इस रेल ट्रैक दोहरीकरण परियोजना की। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, जय हिंद, गॉड ब्लेस।